हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने रिएक्ट के फर्स्ट स्टेप को क्रिएट करते हैं एंड कैसे रन करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। रिएक्ट को रन करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले नोड का ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे पीसी में नोड होना चाहिए। उसके लिए मेरा एक सेपरेट आर्टिकल है और सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पीसी में नोड इंस्टॉल है, तो आप चेक करने के लिए नोड माइनस वी करके देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है या नहीं। जैसे कि मेरे सिस्टम में वर्जन 10.15.0 है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक npm का पैकेज है या मॉड्यूल कह सकते हैं, उसे इंस्टॉल करना होगा इसका फर्स्ट ऐप बनाने के लिए। सो गाइज, हम उसके लिए यूज़ करेंगे npm install माइनस जी क्रिएट आईफोन रिएक्ट आईफोन ऐप। तो ये एक मॉड्यूल है npm का, और माइनस जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। तो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। कहीं यदि ये नॉर्मली इंस्टॉल नहीं होता है तो हम लोग सूडो का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सूडो का यूज़ किया तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब हम गाइस इस क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हम लोग अपना पहला ऐप क्रिएट करेंगे। सो मैं बनाता हूँ क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, एंड मेरे फोल्डर का जो नाम होने वाला है मैं वो देता हूँ फर्स्ट हाइफन ऐप। तो गाइस देखिए, ये क्रिएट हो रहा है, इसे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाइस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपके फोल्डर में स्विच करना है cd, जो हम लोगों ने फोल्डर नाम दिया था फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर आपको चलाना है npm स्टार्ट। इसे रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस ये देखिए, आपका फर्स्ट रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गया है। तो आप ऐसे अपने रिएक्ट में पहला ऐप बना सकते हैं, और इसके बनाने के बाद आप इसे कह सकते हैं कि ये कॉमन बॉयलर प्लेट के जैसा है। आप यहाँ से फिर अपना प्रोजेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू अलॉट। यदि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू अलॉट।